नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वरुण रिहानी है। मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूं। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी। एपिलेप्सी माने मिर्गी के दौरे। आज इस एपिलेप्सी के विषय पे मैं आपको तीन इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देना चाहूँगा। कैसे पहचाने कि आपको एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे हैं, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और अगर आपके सामने किसी मरीज को, किसी भी बंदे को अगर मिर्गी का दौरा आता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले एपिलेप्सी है क्या। एपिलेप्सी एक ब्रेन के सेल्स मतलब न्यूरॉन्स की दिक्कत है, जिसके अंदर हमारे ब्रेन के सेल्स में जिसमें करंट जाता है वो करंट लीक कर जाता है। जो ब्रेन के सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, उसके अंदर करंट लीकेज के कारण ये एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा पड़ता है। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर मरीज को अचानक से उसका शरीर झटपटाने लगता है और मरीज की आँखें ऊपर चढ़ जाती है, उसके मुँह से झाग निकलने लगता है, कभी कभार उसके यूरिन या स्टूल पास हो जाता है, और अगर बहुत तेज़ वाला दौरा पड़ता है तो उसकी जीभ भी कट सकती है। ये उस समय में होता तो 10 सेकंड से 50 सेकंड तक ही है, लेकिन लगता वो बहुत लंबा है और परिवार और देखने वाले बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि ये तो क्या हुआ, क्या होगा। ये बड़े वाले दौरे को हम सब पहचानते हैं, इसके लिए सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ एक टाइप है उस दौरे का। उसके अलावा बहुत सारे छोटे टाइप के दौरे होते हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अचानक आपका एक हाथ हिलने लग जाए, अचानक आपका मुंह टेढ़ा होने लग जाए, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ सेकंड के लिए और आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको क्या बात चल रही थी और भूल जाते हैं, ये छोटे दौरे हो सकते हैं जिसे फोकल सीजर कहते हैं। उसके अलावा एक सीजर ऐसा ग्रुप होता है जो बच्चों के अंदर होता है, जो टीचर्स जो होती हैं, जो अध्यापिकाएँ होती हैं, वो आइडेंटिफाई करती हैं कि बच्चा जो है वो अचानक से क्लास में गुमसुम सा हो जाता है और ब्लैक बोर्ड की तरफ बस देखता रहता है। इसे कहते हैं एब्सेंस सीजर्स। तो अगर आपके बच्चे की स्कूल में परफॉर्मेंस कम है तो आप टीचर से पता करें कि क्या ये बीच में डे ड्रीमिंग कर रहा है, क्या ये ऐसा लग रहा है कि ये सपनों में खोया हुआ है, तो आप इसकी ज़रूर जाँच करवाएँ। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर कि अगर आपके सामने किसी मरीज़ को दौरा पड़ता है तो आप क्या करेंगे। आप उस मरीज़ को एक करवट पर लिटा देंगे, आपके पास जो भी कपड़ा होगा उसको छोटा सा तकिया बना के उसके सर को कंफर्ट करेंगे ताकि उसके झटके के कारण उसके सर पे चोट ना लगे। हमेशा कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो मरीज के अंदर कुछ ना कुछ, उसको दांत ना कटे उसके लिए कुछ चम्मच या कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देता है। वो ज़रूर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे दांत टूट सकता है। पेशेंट को उस टाइम पे कुछ भी सुंघाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो पानी के छींटे डाल सकते हैं, लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क नहीं होगा। अगर आपके मरीज को दौरे पड़ने की दिक्कत है तो अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपको उसके उपाय के लिए एक गोली दे सकते हैं जो उस दौरान पे वो जीप पे रख सकते हैं ताकि उस टाइम पे भूल जाएं, क्योंकि उस टाइम पे मरीज़ होश में नहीं होता है दवाई खाने के लिए। या फिर एक इमरजेंसी स्प्रे आते हैं जिसको आप नाक के अंदर डाल सकते हैं ताकि उस दौरे को रुक जाए। ये आप एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट घर पर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जैसे ही मरीज़ कंट्रोल में आता है तो आपको उसको इमरजेंसी में दिखाना है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा दौरा लगातार पड़ते जा रहा है तो ये स्टेटस एपिलेप्टिकस हो सकता है, मतलब इसके अंदर मरीज की जान की जाने की खतरा बढ़ जाता है, इसके अंदर तुरंत इलाज ज़रूरत है। तीसरा पार्ट, जिस मरीज़ को ट्रीटमेंट मिल रहा है ऑलरेडी अपने एपिलेप्सी के लिए, उसको क्या करना चाहिए, अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। उसको इंश्योर करना चाहिए कि उसके अंदर फ्लूइड का इनटेक रेगुलर है, वो डिहाइड्रेट नहीं हो रहा है, उसके अंदर सॉल्ट की कमी नहीं हो रही है, कोई भी नशे के पदार्थ नहीं लेने हैं, और डाइट में जिस चीज़ से या कोई भी चीज़ से ट्रिगर होता है उसको मिर्गी का दौरा, किसी को लाइट से होता है, फोटोसेंसिटिविटी से होता है, किसी को सूंघने से भी होता है कुछ कुछ चीज़ों से, तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके अवॉइड करें। कम सोना या कच्ची नींद में उठ जाना और चौंकने वाला दौरा पड़ना भी बहुत कॉमनली दौरे का सिम्टम होता है, तो 6 से 8 घंटे रेगुलर स्लीप रहना बहुत अनिवार्य है। अगर आप और एपिलेप्सी की जानकारी जानना चाहते हैं या उसकी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप मुझसे, डॉक्टर वरुण रिहानी से मिल सकते हैं। मैं BL के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डेली अवेलेबल हूँ, और अगर आप मुझे मेरे क्लिनिक डॉक्टर्स प्लाजा न्यूरो केयर सॉल्यूशंस में दिखाना चाहते हैं तो मैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 5 से 8 बजे अवेलेबल हूँ न्यू जिंदनगर F ब्लॉक में। शुक्रिया।